let's do question number 6th of exercise 17c question number 6 is the radii of the circular ends of a solid frustum of a cone r We radius de radius of frustum of cone K 33 cm and 22 cm and its हमें रेडियस दे रखा है थर्टी थ्री सेंटीमीटर और ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर और उसकी स्लॉट हाइट दे रखी है टेन सेंटीमीटर फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड टोटल सरफेस एरिया हमें कैपेसिटी निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है जहाँ पर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन दे रखिए तो सबसे पहले हम अपने रेडियस लिख लेते हैं थर्टी थ्री सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर फिगर बना के देखिए ये हमारी फिगर है और हमारे रेडियस है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर और थर्टी थ्री सेंटीमीटर और स्लॉट हाइट कितनी दे रखी है हमें दैट इज टेन सेंटीमीटर तो ये वाली हाइट हमारी है टेन सेंटीमीटर तो जो जो दिया हुआ है पहले वो वो लिख लेते हैं स्लॉन्ट हाइट दे रखी है जिसको हम एल बोलते हैं फ्रस्टिंग का दैट इज़ टेन सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है रेडियस ऑफ टॉप दे रखा है हमारा दैट इज 27 सेवन सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बॉटम दे रखा है हमारा रेडियस ऑफ बॉटम दे रखा है दैट इज 33 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है वो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स कैपेसिटी कैपेसिटी निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम निकालना होता है तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कैसे निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालेंगे दैट इज पाई इंटू एच अपॉन थ्री इंटू रेडियस ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ टॉप का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ बेस इनटू रेडियस ऑफ टॉप तो अब हमें एच नहीं पता अगर आप देखेंगे तो एच कैसे निकलेगा देखिए यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ एल के फॉर्मूले से ही एच निकलेगा देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ बॉटम हमारा बड़ा है तो रेडियस ऑफ बॉटम माइनस रेडियस ऑफ टॉप का होल स्क्वायर अब एल कितना है टेन तो टेन का स्क्वायर एच हमें निकालना है प्लस रेडियस ऑफ बॉटम था थर्टी थ्री और टॉप था ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर अब टेन का स्क्वायर होता है हंड्रेड एच स्क्वायर प्लस अब थर्टी थ्री में से ट्वेंटी सेवन गया है सिक्स तो सिक्स का स्क्वायर कितना आया थर्टी सिक्स तो एच स्क्वायर कितना आ गया हंड्रेड में से थर्टी सिक्स माइनस हो गया दैट इज़ सिक्सटी फोर तो एच कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर जो कि होता है एट सेंटीमीटर आ गया हमारा एच तो so, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू 7 सेवन हो गई एच हमारा एट हो गया अपॉन थ्री रेडियस ऑफ बॉटम था हमारा थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री का स्क्वायर प्लस टॉप का रेडियस था दैट इज़ ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर प्लस थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन तो ये कितना आ गया ट्वेंटी टू एट जट टू जिक्सटीन एट टू जिक्सटीन एंड सेवेंटीन अपॉन ट्वेंटी वन क्योंकि कुछ कट नहीं ना था तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया आप चाहें तो एज इट इज़ लिख के आगे तक सॉल्व कर सकते हैं आप थर्टी थ्री का स्क्वायर कितना आता है देखिए थर्टी थ्री इंटू थर्टी थ्री 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 इज नाइन थ्री थ्री इज नाइन नाइन एंड नाइन तो ये आ गया नाइन एटीन एंड वन ज़ीरो एट नाइन अब ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन कितना ट्वेल्व कैरी वन सेवन सेवन टू नाइन प्लस थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी थ्री कितना आया थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन टू कैरी थ्री टू जो सिक्स सेवन एट वन एंड एट तो यह है एट नाइन्टी वन तो यह एट नाइन्टी वन तो ये कितना आ गया वन सेवेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन इन टू इन तीनों को ऐड कर देंगे तो नाइन प्लस नाइन इज एटीन प्लस वन इज नाइनटीन कैरी वन एट प्लस वन इज नाइन नाइन प्लस टू इज इलेवन इलेवन प्लस नाइन इज ट्वेंटी ज़ीरो टू कैरी टू प्लस सेवन इज़ नाइन नाइन प्लस एट इज़ सेवनटीन कैरी वन टू दैट्स इट। आप देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री नाइन ज़र ट्वेंटी सेवन जीरो एंड थ्री दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है ये देखते हैं सेवन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है सेवन वन जो सेवन ट्वेंटी सेवन टू जॉ फोर्टीन सेवन से कट रहा है सेवन वन जो सेवन सेवन टू फोर्टीन एंड सिक्सटी थ्री सेवन नाइन जिक्सटी थ्री तो ये कितना आ गया वन सेवेंटी सिक्स इंटू वन ट्वेंटी नाइन तो ये कितना आ गया हमारा कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो so, 176 सेवेंटी सिक्स इंटू वन आ गया हमारा नाइन सिक्स ज फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री सिक्सटी एट नाइन वन ज नाइन फिफ्टीन टू सिक्स आर ट्वेल्व टू सेवन जो फोर्टीन फिफ्टीन कैरी वन टू वन जो टू एंड थ्री सिक्स सेवन एंड वन तो ये कितना आ गया फोर टेन कैरी वन सेवनटीन कैरी वन ट्वेल्व कैरी वन एंड टू तो ये आया टू टू सेवन जीरो फोर यूनिट हमारी सेंटीमीटर्स में थी तो सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या गई? Capacity आ गई कैपेसिटी आ गई कंटेनर की अब हमें टोटल सरफेस एरिया और निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज हमारा जो कंटेनर है वो ओपन नहीं है ऊपर से तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस लेटरल सरफेस एरिया तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ पाए आर स्क्वायर ऑफ़ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या हुआ पाए आर स्क्वायर ऑफ टॉप प्लस एल एस से क्या हुआ एल एस से हुआ पाए इंटू एल आर रेडियस ऑफ बॉटम प्लस रेडियस ऑफ टॉप ये हुआ तो आप देखिए पाए कॉमन है तो अंदर क्या बचा रेडियस बॉटम का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ टॉप का स्क्वायर प्लस एल इंटू रेडियस ऑफ बॉटम प्लस रेडियस ऑफ टॉप तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन बॉटम का रेडियस कितना है दैट इज थर्टी थ्री का होल स्क्वायर टॉप का रेडियस है हमारा ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर एल है हमारा टेन और बॉटम का है थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन अब कितना आ गया ये यह आ गया ट्वेंटी टू अपॉन्ट सेवन एज इट इज थर्टी थ्री का स्क्वायर कितना आया था हमारा थर्टी थ्री का स्क्वायर देखिए वन जीरो एट नाइन आया था तो यह आ गया वन ज़ीरो एट नाइन और ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर ये देखिए सेवन टू नाइन आया था तो सेवन टू नाइन प्लस टेन इन टू थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन कितना हुआ सेवन प्लस थ्री इज टेन कैरी वन सिक्सटी तो ये कितना आ गया ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू वन जीरो एट नाइन प्लस सेवन टू नाइन प्लस टेन इंटू सिक्सटी इज सिक्स हंड्रेड तो ये कितना आ गया दैट इज ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू नाइन प्लस नाइन इज़ एटीन कैरी वन नाइन प्लस टू इज़ एलेवन कैरी वन सेवन प्लस वन इज़ एट एट प्लस सिक्स इज़ फोर्टीन कैरी वन एंड टू तो ये देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है सेवन थ्री ज़र ट्वेंटी वन थर्टी वन सेवन फोर ज़र ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी एट ये नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं टू फोर वन एट इन ट्वेंटी टू टू एट जो सिक्सटीन कैरी वन टू वन जो टू थ्री टू फोर जट टू टू ज फोर सिक्स थ्री एट एंड फोर तो ये कितना आ गया सिक्स नाइन एट नाइन टेन अलेवन कैरी वन टूल्व थर्टीन कैरी वन फाइव तो ये आ गया फाइव थ्री वन नाइन सिक्स अपॉन सेवन और वी कैन से दैट डिवाइड कर देते हैं सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फोर्टी वन सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सिक्सटी नाइन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री सिक्सटी सिक्स अगेन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री पॉइंट लगा थर्टी हो गया फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी हो गया टू ज़ा फोर्टीन सिक्सटी हो गया एट ज़ा फिफ्टी सिक्स तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके सेवन फाइव नाइन नाइन पॉइंट फोर थ्री सेंटीमीटर हमने ये क्या निकाला था टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर आ जाएगा आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाला था हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया इस कंटेनर का 7599.43 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना आ गया 22704 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर